हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई में प्रीवियसली पूछे गए हैं। सो ये जून 2022 में है। इससे पहले भी क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ हाइड्रोकार्बन्स के या दूसरे केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उनके PYQ की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप प्लीज़ चेक करें। अदर प्लेलिस्ट भी हैं, जैसे चैप्टर वाइज कंप्लीट जो डिस्कशन है चैप्टर्स पे, जो आपके लेक्चर्स हैं वे भी अपलोड हो रहे हैं, तो उसको जरूर देखें। ओके, सो इसमें फिलहाल स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्शंस विल कन्वर्ट ए टू बी। नाउ गाइज, इस क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज होगा यहाँ पर जो कि ए को बी में कन्वर्ट कर दे। नाउ गाइज, कोई भी इसको आराम से सेलेक्ट कर सकता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कभी कभी हम इनमें कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सो इनको हम वन बाई वन पढ़ते हैं ताकि आपको और क्वेश्चंस में भी समझ में आए, ताकि इस इन जो क्वेश्चंस करने का मेरा जो मोटिव है वो यही है, स्टूडेंट का कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो पीसीसी अगर आप देखोगे, पीसीसी की जो फुल फॉर्म है इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, सो अगेन जैसे आप नाम में देख सकते हो, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं फुल, अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगी आपको। ओके, सो पीसीसी जो है वो एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की श्रेणी में आता है, उनकी कैटेगरी में आता है। नाउ जब हम माइल्डर बोलते हैं, माइल्डर देन अदर क्रोमियम एजेंट्स लाइक, जैसे अगर आपको K2Cr2O7 दे दिया कभी कभी, जैसे किसी एसिडिक कंडीशंस में, या बहुत बार आपको KMnO4 दे दिया, हालांकि ये क्रोमियम बेस्ड नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो इनसे माइल्डर है। ओके, तो कभी कभी आपको H2CrO4 दे दिया, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं स्ट्रोंगर हैं, बल्कि जो पीसीसी है इनसे कम है। नाउ जो ये पीसीसी है ये सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन देता है, मतलब जो एल्कोहल्स हैं उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ इस पे मैं आपको पूरा अच्छा सा डिस्कशन दूंगा, बस आप इसको सुनते रहे। नाउ जैसे मैंने कहा, एल्कोहल को सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स में। इफ यू हैव अ सेकेंडरी एल्कोहल, आपके जैसे इसमें ग्रुप में कहीं मिल जाए, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, सेकेंडरी एल्कोहल हो उसको करता है कीटोन में कन्वर्ट। एंड अगर आपका टर्शियरी एल्कोहल दिया हुआ है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये कैसे होता है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ टर्शियरी एल्कोहल के अलावा, जैसे इसमें नो रिएक्शन है, अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दे दिया जाए, या कोई आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए, या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए, जैसे CHO ही दे दिया, COOH दे दिया कभी कभी, है ना, या कभी NO2 कर दिया, कभी कुछ भी डाल दें, Cl डाल दें, कुछ भी ग्रुप डाल दें, या डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी, किसी पे भी ये रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देखेगा उसी पे रिएक्शन करेगा। इनफैक्ट अगर आपके किसी एक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड दे दिया और OH भी दे दिया तो इस पे एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ OH फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन देगा। समझ में आएगा इसे आपको। नाउ आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके रिएक्शन का, फिर आपको इसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे आपको मैंने कहा, प्राइमरी एल्कोहल को करता है एल्डिहाइड में एंड टर्शियरी एल्कोहल को उसमें करता है। नाउ वी नो दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल, क्यों, क्योंकि कार्बन पे राइट एच है यहाँ पे और ये इस तरह से, तो वी नो अगर मैं यहाँ पे पीसीसी यूज कर लेता हूँ तो इसमें जो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये CHO। इसको आप कैसे लिख सकते थे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे CH2OH भी लिख दूँ तो कुल मिला के ये कन्वर्जन हो गया। तो ये प्राइमरी एल्कोहल था और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड होता, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल को अगर मैं पीसीसी से कन्वर्ट कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। ये तो अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि कहाँ सी आएगा कहाँ आएगा, इस पर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ और आपको वो एक हर एक ऑक्सीडेशन जो है उसमें आप यूज कर सकते हो। सो मेथड ये है
कि लेट जस्ट सपोज आपको दिया है ये वाला कंपाउंड, जैसे सी एच 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 एंड एच, कुल मिला के एक कार्बन, इस पे चार हाइड्रोजन, मीथेन है, लेकिन ये समझाने के लिए है, ओके इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैंने ऐसे क्यों लिया। अच्छा देखिए, स्टेप्स जब ऑक्सीडेशन के होते हैं तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो ये देखेगा इसमें कोई एक एच को, देखिए स्टेप वाइज स्टेप होता है सब, जो ये एच है राइट, इस एच को ये कन्वर्ट कर देगा OH में। तो यानी अब मैं अगर एक स्टेप वाइज जा रहा हूं तो ये एच को OH में कन्वर्ट इसने कर दिया। सो जो यहां पे मेरा CH4 था, यहां पे हो गया CH3OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो। सो अगेन अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो एक एच को फिर से OH में ये कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या कर देगा यहां पे, ये वी नो कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप्स अनस्टेबल होते हैं, ये मैं बहुत वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो H2O निकाल देगा, और इसको मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए H2O तो निकल गया ठीक है, और ये O और ये दो बॉन्ड्स हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे डबल बॉन्ड O। तो अगर आप देखोगे अब ऑक्सीडेशन के बाद एल्कोहल से कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। नाउ अगर यहां पर ग्रुप में सपोज ये दो R होते राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर R होते तो यहां R हो जाता और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता, समझ रहे, तो आपको इस तरह से समझना है ओके। नाउ अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो इस पे एक H और है, उसको अगर देखिए अवेलेबिलिटी अगर R R होता तो वहीं पे स्टॉप हो जाता राइट। तो अगर यहां पे अगर H और दिख रहा है तो इसको फिर से OH में आप कन्वर्ट कर दो, कर दिया मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो जो अब एल्डिहाइड था या कार्बोनिल कंपाउंड होता है यहाँ पे, या सपोज RCWH RCHO होता तो यहाँ पे हो गया RCWH या HCWH इस केस में, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए प्रॉपर वही ऑर्डर बन रहा है। इसका अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ, अब जो लास्ट एच बचा इसको भी OH में कन्वर्ट कर दो। नाउ अगेन एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल दो, एक कार्बन पे एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक O, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे COOO, जिसको क्या हो गया ये CO2 गैस, समझ में आया गाइस आपको। तो ये ऑर्डर है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखोगे कि मैंने आपसे कहा कि जो ये वाला कंपाउंड है इसको आप पीसीसी रिएक्शन करो, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड कि अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो अब मैं क्या करता हूँ अल्कोहल से बस एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा और एक एच को ही OH में कन्वर्ट कर दूंगा। तो लेट जस्ट सपोज इस एच को मैंने OH में डाल दिया, आपको ये नहीं सोचना CHO कौन सा सी, ये वाला सी, ये वाला सी, या यहां से कुछ। बहुत बार बच्चे देखिए मैं जो ये बता रहा हूं आपको, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं, इसके बजाय यहां पे CHO लगा देंगे, जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, वन कार्बन टू कार्बन, वन कार्बन टू कार्बन, थ्री कार्बन, ये गलत हो गया, वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको मैं बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ ठीक है। तो अब मैंने सिंपल क्या किया, ये OH था, ये H था, एक यहाँ पे OH कर दिया, वाटर निकाल दो, सिंपल क्या बन गया इधर, ये H है, ये डबल बॉन्ड O, क्या बन गया CHO करेक्ट। सेम इस पे भी देख लो, अगर ये वाला OH है तो ये एक एच है, इसको पीसीसी से किया, एक एच को OH में कन्वर्ट कर दिया, वाटर निकल गया, तो अगेन क्या बन गया इस पे, ये समझ में आएगा इस। तो इसी तरह से आपको इन्हें करना होता है। खैर बैक टू अवर मेन क्वेश्चन, इसमें आपने देखा ये वाला कंपाउंड है, तो मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल तो या सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी नहीं है, तो पीसीसी तो इस पे रिएक्शन करेगा ही नहीं, समझ में आया। अब दूसरा है ओजोनोलिसिस। नाउ गाइज ओजोनोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, जिसमें आप कंपाउंड की ओजोन से रिएक्शन कराते हो और आगे कुछ दूसरे रिएजेंट्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज रिएजेंट्स कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो ओजोनोलिसिस है ये दो तरह से आप लिख सकते हो, पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नाउ इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के नाम से आप कंफ्यूज मत हो, ये कुछ रिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं है, ये ओजोनोलिसिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही है, बस अंतर ये है इसमें ऑल द वे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है जहां तक भी आप कर सकते हो, इसमें बस एक स्टेप पहले रुक जाता है। अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ O3 के साथ में राइट, ये जो O3 है अगर इस जगह
O3 के साथ अगर आपको सेकंड स्टेप में ये दो कंपाउंड दिए हैं, मतलब या तो ZnH2O के साथ, या अगर आपको डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है विद H2O, तो आपको कह दो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला गया। लेकिन अगर खाली O3 के साथ सिर्फ H2O दिया है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेटिव, ऑल द वे ऑक्सीडेशन करना है। कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या वो नहीं लिखा जाता, तो अगेन गाइज ये बेस्ड ऑन आपके जो ऑप्शन हैं क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने देखा है 80% ऑफ केस में ऑक्सीडेटिव के ही ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगेन अगर ऑप्शन में आपका रिडक्टिव का आंसर दिया हुआ है तो आप उसको फॉलो करें, है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, जैसे अगर ये वाला आपका एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, बहुत बेसिक है। लेट जस्ट सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, ये CH3 है और CH3 है, ठीक है। अब मैंने इसको कहा ओजोनोलिसिस करो O3 के साथ, और सपोज यहाँ पे ZN और H2O दे दी, यानी रिडक्टिव होगा। सिंपल ट्रिक है गाइज, डबल बॉन्ड जहां भी दिखे सिंपल यहाँ डिवाइड करो। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो ओजोनोलिसिस है सिर्फ एल्कीन की ही नहीं, एल्कीन के साथ साथ एल्काइन की भी रिएक्शन होती है एंड एजो कंपाउंड्स की भी होती है। नाउ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ओजो एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर आप कभी किसी कंपाउंड में ये वाली लिंकेज देखे कि RN डबल बॉन्ड N R डैश R डैश, कुछ भी अल्काइल कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, मेन जो हमारा मेन जो फोकस है इसमें वो ये वाला है, ठीक है। अगर ये वाली लिंकेज आपको दिख रही है तो वो एजो कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें भी आपका जो कंपाउंड है वो ओजोनोलिसिस का सेम रिएक्शन दे सकता है। तो फिलहाल एल्कीन का देखते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे बीच में तो देखिए बॉन्ड ब्रेक करना है, कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है ये, ठीक है। ये दो हो गए, बस सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ ओ जोड़ दो। सो एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर आपका कंपाउंड में ये वाले रिएजेंट्स दिए हुए हैं तो यहीं पर रुक जाएगा आपका कंपाउंड। लेकिन लेट जस्ट सपोज आपको जिंक नहीं दिया था, सिर्फ H2O ही दिया था, यानी ऑक्सीडेशन। नाउ मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइजेबल H का कंसेप्ट बताया था, जहां भी H दिखे उसको OH में कन्वर्ट कर दो। सो इसमें तो C से कोई H जुड़ा नहीं है, तो ये तो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। नाउ इस केस में फर्दर ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, H को OH से रिप्लेस कर दो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, H को OH, ओके, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया, इस तो इस तरह से आपको इसमें लेना है। अगेन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डबल बॉन्ड है, यानी रिएक्शन तो कुछ होगी भाई, तो बॉन्ड ब्रेक करो, दो ओ जोड़ दिए, तो पहला जो कंपाउंड बनता है मेरा वो ये है डबल बॉन्ड ओ, यहां तो CH3 सिंपल है, इधर CHH डबल बॉन्ड ओ। नाउ इसको मैं एच या OH कर सकता हूं कन्वर्ट, और CO2 बना सकता हूं जैसा आपको समझाया था, लेकिन आप गौर से देखोगे तो मेरा ये कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो मुझे आगे देखने की ही जरूरत नहीं है, तो यानी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ओके। अब इसके लिए अब मेरा थर्ड ऑप्शन आता है BH3H2O2OH, ये एक रिएक्शन है, और उसके बाद उन्होंने PCC से ऑक्सीडेशन करा दिया। PCC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, राइट। देखिए गाइस, इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं, और उनकी इस जो रिएक्शन है, बेसिकली इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसका जो कंसेप्ट है उसको महत्व उसका जो समझने के लिए आपको ये रिएक्शन देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कंपाउंड देता हूँ गाइस, ओके, और मैंने आपको कहा कि एच आयन के साथ रिएक्शन करो, ठीक है, H2O दिया हुआ था, तो आपकी सबसे पहली वो क्या होगी कि भैया डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करने के बाद यहाँ पे जो सी है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकेंडरी पोजिशन है, है ना, और यहाँ पे आपका एच जुड़ जाएगा CH3 ऑब्वियसली, राइट। अब आपको पता है कि ये जो है ये हाइड्रोजन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी को टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, राइट। तो ये जो कंपाउंड हुआ आपका एक यहाँ पे एच है गाइस, है ना, तो ये CH3, अब ये टर्शरी हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या करेगा, जो H2O है यहाँ पे करेगा रिएक्शन,
तो मैं यहीं पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे। तो OH2 पॉजिटिव राइट, और एच आयन अगेन निकल जाएगा और यहाँ पे OH ला लेगा। इसलिए गाइस जब भी मैं OH2 से रिएक्शन कराता हूँ ना, डायरेक्ट OH लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या बनेगा, राइट। सो इसकी चीजों का ध्यान रखें, इन स्टेप्स को आप बचाया करें। तो कुल मिला के ये बन गया। नाउ अब गौर से देखो आप, डबल बॉन्ड था इन दो कार्बन के बीच में, OH बना इस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड था यहां और जो OH बना वो यहां इस वाले कार्बन पे जुड़ा। वॉट इफ मुझे जो OH है वो इन्हीं दो कार्बन के ऊपर ही चाहिए था, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर। इस जो दुविधा को समझाने के लिए या हटाने के लिए एक दो रिएक्शंस हैं। पहली होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरी होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जिन लोगों को प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों ने इसको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं पता या रिवीजन के लिए भी है ना। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जनरली एंटी मार्कोनिकोव्स जो एडिशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है वो मार्कोनिकोव्स एडिशन को प्रिफर करता है। नाउ एंटी मार्कोनिकोव्स क्या, मार्कोनिकोव्स मतलब मोर जो स्टेबल जो कार्बन होगा या पोजीशन होगी उस पे OH जुड़ेगा, और इसमें लीस्ट स्टेबल लेस स्टेबल मतलब दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, जुड़ेगा तो इनमें से किसी पे, लेकिन इनमें से जो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो लेस स्टेबल लिख दो कार्बन पे OH जुड़ेगा। इनमें जो आपके रिएजेंट्स होते हैं इसमें, तो इसमें जो रिएजेंट्स होंगे आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वो क्या दिए जाते हैं, B2H6, कभी कभी B2H6 के बजाय BH3 भी लिख देते हैं, सिंपल एक ही बात है। और दूसरे स्टेप में कह देंगे OH नेगेटिव है, KOH लिख देंगे, NaOH लिख देंगे, कुछ भी, और साथ ही साथ H2O2, ठीक है। इसमें जो आपका रिएजेंट्स है एक्जुमर्केशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAC का ट्वाइस, राइट, एंड सेकेंड स्टेप में बोल देंगे NaBH4। अगर आपको इन दोनों को कंप्लीट मैकेनिज्म देख लिया, मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, इसमें सिंपल में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, CH3CH ये है। अगर आप मोर स्टेबल लेस स्टेबल पता करना चाहें तो देखिए जनरली मेरा एक उसूल है, मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा और मैं दो पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं समझाता हूँ, ये बॉन्ड तोड़ा और एक केस में तो यहां प्लस डाल दिया मैंने, ठीक है। देखिए एक प्लस पे जुड़ेगा, एक पे प्लस और एक पे एच जुड़ेगा, तो मैंने सोचा एक बॉन्ड को तोड़ के एक पे प्लस, या इसको मान लो बॉन्ड को तोड़ के या ऐसे भी लिख दिया आपने, डबल बॉन्ड तोड़ा यहाँ प्लस और माइनस, एक तो ये वाली पोजीशन है, और दूसरे केस में आप क्या लिख सकते हो, नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। OH नेगेटिव एंटिटी है तो पॉजिटिव वाले पे जोड़ना है उसको, आप ये सोचो। अब इन दोनों में से मोर ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा मैं सेकेंडरी पोजीशन लूं और नेगेटिव चार्ज चाहेगा मैं प्राइमरी पोजीशन लूं, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नॉन प्रेफरेबल है। तो इस तरह से आप मोर स्टेबल और लेस स्टेबल पोजीशन देख सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, ये मैं मोर स्टेबल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, मैं यहां लिख, यहां दोबारा लिख लेता हूं फाइनली, अगर मैं ऊपर वाला ये बॉन्ड तोड़ देता हूं, ठीक है, तो इस केस में OH यहां जुड़ेगा, और इस केस में अगर मैं बॉन्ड तोड़ देता हूं तो यहां पे इस बार OH यहां जुड़ेगा। अब गाइज एच एच वेच आप खुद काउंट कर लेना, अब इस चीज को मत देखना मैं एच नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। बहुत बार स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं कि एच कम है वो है, तो गाइज समझा करें, कभी कभी समझाने में थोड़ा सा मिस हो जाता है। ओके, तो इस बात को समझ में आपको, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, सो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका मेन जो क्वेश्चन है आपका, सेम डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड में ब्रेक कर दूंगा तो जो मेरा कंपाउंड इधर बनेगा, भैया CH3 तो ये है ही, ये डबल बॉन्ड जोड़ा लीस्ट स्टेबल है तो यहां मैं जोड़ दूंगा CH2 के बाद OH। ओके, साउंड में आया गाइस। अब इसके बाद PCC ऑक्सीडेशन, PCC में मैंने कहा माइल्डर ऑक्सीडेशन प्राइमरी है, प्राइमरी उसी CHO में कन्वर्ट कर दो। आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन मुझे पता है PS उसको H को OH में कन्वर्ट कर देता है, एक H को कर दो OH में, वाटर निकाल दो CHO बना दो और कंपाउंड आपका ये बन गया। समझ में आया कैसे, देखिए सिंपल बन रहा है ना गाइज, CH3 CH डबल बॉन्ड O,
सो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया गाइज आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट ऑप्शन भी चलिए देख ही लेते हैं। सेम है लास्ट ऑप्शन, तो HBr से रिएक्शन करा रहे हो, तो ये जो H आयन है इसके HBr के, उस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो CH3 है ये, अब CH2+ चार्ज यहाँ पे आना चाहेगा ऑब्वियसली, राइट। अगेन H2O से आप रिएक्शन कराओगे, H2O से रिएक्शन यहाँ जुड़ेगा और OH जोड़ देगा इधर। ये अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2, CH3 हो गया, राइट, एक H जुड़ जाएगा इधर। ओके, नाउ अगर आप K2Cr27 से रिएक्शन करोगे तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे भैया अब कोई ऑक्सीडाइजेबल H नहीं है इस कार्बन पे। एक CH3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, OH को कहाँ डालोगे ऑक्सीडाइज करके? भैया मैंने आपको ऑक्सीडाइजेबल बताया था ना, हाइड्रोजन को ही तो कन्वर्ट करेगा ऑक्सीडी, उसमें तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये भी समझ गए। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इज ऑप्शन नंबर C। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, गाइज आपको ये मैंने बता दिया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, राइट। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन के स्टेप्स हैं आपको अभी मैंने जस्ट बताया, राइट। सो ये रिएजेंट देखते देखे, मैं तो क्या करता हूँ, जहां भी HG दिख गया ना और NaBH4 इस तरह, तो मुझे समझ में आ जाता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन है। NaBH4 भी अगर नहीं दिया, सिर्फ HG+ है तो इंटरमीडिएट बनता है कभी कभी, और NaBH4 में बेसिकली देखिए एच आयन हाइड्राइड है, उसको यूज में लाते हैं। लेकिन अगर उसके बजाय कुछ और भी OH भी डाल देते हैं तो वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको मेरी वीडियो को देखना, उसमें आप बहुत समझ में आएगा। लेकिन कुल मिला के इसमें तो भैया यही रिएजेंट दिए हैं, सिंपल मुझे बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मोर स्टेबल पोजीशन पे OH जोड़ना है। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मोर स्टेबल ये है, ये वाली पोजीशन अभी आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है। जो सब्सटीट्यूटेड हाईली, जो सब्सटीट्यूट मोर सब्सटीट्यूटेड पोजिशन है, तो यहाँ पे OH जोड़ दो, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, राइट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, देखा गाइस जो हमने पहले क्वेश्चन में जो कंसर्ट्स पढ़े थे उन पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि आपने सिर्फ क्वेश्चन करा और समझ गया, जितने भी रिएजेंट्स दिए हैं वे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में, कभी ना कभी उन पे क्वेश्चन आए हुए होते हैं या आने आ सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए से इसमें रिएक्शन आई, ठीक है, ZnH2O है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब कहा कि ए आपको बताना है और बी बताना है। सबसे पहले तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो जो ए है, जो इथेन 1,2-डाइकार्बलडिहाइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इथेन 1,2-डाइकार्बलडिहाइड, तो 1,2-इथेन 1 और 1 और 2 पोजिशन पे दो एल्डिहाइड के हो गए, है ना। और ग्लाइओक्सल या ऑक्सलडिहाइड, इसका तो ग्लाइओक्सल तो देखिए बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बार बार यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, दोनों के दो कंपाउंड। और जो बी दिया हुआ है, बी का जो कंपाउंड है मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं आराम से समझा पाऊँ। बी दिया हुआ है 5-ऑक्साहेक्सेनल, तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, 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 सी डबल बॉन्ड ओ एच, राइट। सो 1,2,3,4,5,6-हेक्सेनल एंड 5, 5th पोजिशन पे आपके आ गया ऑक्सो, ठीक है। तो ये वाला आपका कंपाउंड बन गया। अब इन्होंने कहा है ए क्या होगा, ए और बी, देखिए सिंपल है। ओजोनोलिसिस में आपको मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये वाला आपका कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मैंने कहा ये बॉन्ड ब्रेक करा और ये दो मेरे बन गए, कहा था आपको। सो अगर आपको वापस इनको जोड़ना है, रिवर्स करा दूं, तो रिवर्स क्या होगा, ये दो ओ हैं, इनको हटा के साइड बाय साइड लगाओ और ये डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो यही बन गया वापस। तो सेम ही इसी चीज में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका था इथेन 1,2-डाइकार्बलडिहाइड, राइट। सो इसको आप इस तरह से लिखो कि ये अरेंज हो जाए, मैं आपको समझाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, राइट, CH2, CH2 एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच आपस में, ताकि अरेंज करें।
और जो ग्लाइओक्सल था उसको सी ये हो गया, डबल बोन्ड ओ, डबल बोन्ड ओ। सिंपल क्या जोड़ो यार, ये जो है जोड़ दो सिंपल, डबल बोन्ड ओ हटा दिए मैंने, ओ हटा दो, डबल बोन्ड से जोड़ दो, समझ में आया। अब सिंपल ग्रुप बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, 1 और 6, जैसे इसको मान लेता हूं मैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है एंड 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और आपका ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये आपका ए है। सिमिलरली अगर आप उसको देखते हो 5-ऑक्सा-हेक्सेनल को, तो इस ये बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही बना हुआ है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O H। बस इसमें तो दो जो है इंट्रा वाली रिएक्शन हो गई, अंदर ही है तो आपको और दिखने की नहीं, O हटाओ, बस ये डबल बॉन्ड है, ये सेम है डबल बॉन्ड, ये जोड़ दो। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की रिंग है, तो 1, 2, 3, 4, 5, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5th कार्बन पे आपका एक CH3 जुड़ा हुआ है, राइट, एंड 1 और 5th के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, जो जो ए था आपका और जो दूसरे का कंपाउंड था वो ये बना। ओके, सो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ए क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 1,3-डाईन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड डाईन, तो ये दोनों हटा दो। दूसरा पेंट वाली पोजीशन है, तो यहां लिखो क्या, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, सो मिथाइल साइक्लोपेंट 1-ईन, तो ये हो गया, साइक्लोपेंटीन नहीं है, अगर ये नहीं होता तो साइक्लोपेंटीन होता, लेकिन क्योंकि इस केस में ये है तो आपको ये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट, कि किस तरह से आपको चीजें लेनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। नो एन ये वाला कंपाउंड है, थोड़ा सा अजीब सा लिखता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एन ब्यूटाइल दिया हुआ है ये, और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, और जो कार्बन है वो डबल ट्रिपल बोन्ड और यहाँ पे CH, ये कुल मिला के इस तरह से लिखा है। एन ब्यूटाइल क्या क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट CH2 सी सॉरी 1 2, हाँ CH2 ये हो गया, देन CH2 CH2 CH3, बस ये जो ब्यू है वो ये वाला ग्रुप है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस तरह लिखा हुआ है, तो जस्ट इसको लिख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक बात आपने ध्यान दी, ये एक टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन में जो ये आपका एच होता है इज ऑलवेज एसिडिक, बताया था, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज 50% हायर, द परसेंटेज एस कैरेक्टर आर विल बी दी, जो इसकी एसिडिक नेचर होगी इसकी, या जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, पुलिंग कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। सो इसमें जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं, NbUli दिया हुआ है और C5H11Cl, ठीक है, कुल मिला के ये क्या दिया हुआ है, RX दिया हुआ है, ये RCl दे दो, हेलाइड हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड, और ये RLi दिया हुआ है, RLi इज अ स्ट्रोंग बेस, बहुत ही अच्छा बेस होता है, आपने अगर मेरी एस ब्लॉक की वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें पता है, जो ये वाला जो है लिथियम, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, तो वे अच्छे बेसिक नेचर रखते हैं। ठीक है, सो अब इसमें क्या हुआ, NbUli को तो छोड़ो, सिंपल ही क्या है, Li है और ये NbU नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक जो है H को खींच लेगा, तो इस H प्रोटोन को इसने खींच लिया, तो यहां बना देगा NbUH, सिंपल ब्यूटेन बना दिया कुल मिला के। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, एसिडिक एच ली खींच लिया था, तो NbU सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, और यहां पे Li पॉजिटिव लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब अगले रिएक्शन में दे दिया है N C5H11 Cl, सिंपल C5H11 क्या है गाइस, इज नथिंग बट ये सिंपल ये CH3 CH2 CH2 CH2
1 2 3 4 सी एच 1 2 3 4 5 सी एल, ये दिया हुआ है। बस कभी कभी स्टूडेंट्स इन चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं करते तो डर जाते हैं, और डरते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये है सी एल दिया हुआ है। सिंपल क्या करना है, अटैक करेगा इस पर, ये बोन निकल जाएगा, और यहाँ पे एन बी यू सी ट्रिपल बोन सी, और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो यहाँ जुड़ गई। समझना, एन नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना आप एन है, ताकि वो लिखने में कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये बन गया गाइस, समझना। अब रिएक्शन हुई लिंडलार्स कैटलिस्ट की, हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। नाउ ये तो मैं आपको बता दूंगा, एक स्टेप की रिएक्शन रह गई है, लेकिन इसमें आपको हल्का सा फिर भी मैं आपको एक बेसिक दे दूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, बेसिक आपको एल्काइन दे दिया मैंने, एल्काइन। ठीक है, अगर मैं इसकी नॉर्मल जो है हाइड्रोजन की रिएक्शन करता हूँ, हाइड्रोजिनेशन नॉर्मली जो कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है, उसमें आप निकिल ले लेते हो, या कभी कभी एच टू पैलेडियम ले लेते हो, प्लेटिनियम ले लेते हो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, सपोज आपका नॉर्मल जो हाइड्रोजिनेशन है वो है, तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कर देगा और सी एच थ्री में इसको डाल देता है ना, डबल बोन दोनों, पाई बोन दोनों तोड़ के एच और एच जुड़ जाते दोनों साइड, समझ रहे हैं। मतलब ये हटाए और एच और एच, एच और एच इस तरह जुड़ जाता है, समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर वॉट इफ मुझे एल्केन नहीं चाहिए, मुझे तो एल्कीन ही चाहिए था, तो इस केस में अगर ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है और मुझे सिर्फ यहां से एल्कीन ही चाहिए, तो यहां पे मेरे दो मेथड होते हैं। ठीक है, दो मेथड है, और बेसिकली इसके दो रिएक्शन है जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोली जाती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब अगर इसमें जो दो रिएक्शंस हैं इसकी हैं, ये इसमें सिस और ट्रांस है ना, वो वाला प्रोडक्ट बनता है, जो भी आपको प्रेफरेंस हो। ठीक है, तो मेन तो एक पहला तो है लिंडलार्स कैटलिस्ट, जो आपको भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और दूसरा होता है बिर्च रिडक्शन। इस पे मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप देखें, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की करने की कोशिश की है। और जो लिंडलार्स कैटलिस्ट है उसमें जनरली आपको क्या दे दिया जाएगा, पैलेडियम के साथ साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट, ज़्यादातर ये दे दिया जाता है। ओके, या फिर कभी कभी पैलेडियम के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट या इस टाइप के कोई ग्रुप दे दिए जाएंगे, और साथ में इनको जो ये या तो ये या ये दे दिया है, इनके साथ साथ आपको क्या कर देंगे, सल्फर भी दे दिया जाएगा, सल्फर दे दो, है ना, या फिर क्विनोलीन दे देंगे। ओके, तो ये है बेसिकली लिंडलार्स कैटलिस्ट। BaSO4 बेसिकली इसमें इज एक्टिंग एज अ पॉइजन, पॉइजन टू जो आपकी पैलेडियम जो सरफेस है कैटलिस्ट की, राइट, इसका पॉइजन है ये। पॉइजन का मतलब ये है, अभी तो सारी जो पीडी प्लेट थी इसमें कहीं भी एच जुड़ सकता था, अब ये क्या करता है, पॉइजन डाल देता है, और जो रिएक्शंस है, ये जो सरफेस है देख रहे हो आप, इसको खराब कर देता है बीच बीच में। अब क्या करेगा, जो पहले हर सरफेस पे डाल सकते थे, अब इन पोजीशन पे जो पॉइजन है उन पे नहीं डलेगा, तो हाइड्रोजनेशन वो हैम्पर हो जाता है, कंप्लीट ढंग से नहीं होता, वो एल्कीन पे ही रुक जाता है। तो ये इसका BaSO4 का मेन मोटिव है, यानी। लेकिन जो बिर्च रिडक्शन है उसके केस में, जो नॉर्मली आप रिएजेंट्स लेते हो, जैसे कोई एल्कली मेटल ले लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, या तो लिथियम ले लो, या सोडियम ले लो, या पोटेशियम ले लो, जनरली यही लिए जाते हैं, है ना, या तो ये इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये जरूर समझना, ये जो लिया हुआ है इज लिक्विड, जो अमोनिया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस अमोनिया नहीं है। अगर आपने इस ब्लॉग की वीडियोस देखी है मेरी, तो आपको पता होगा एक्वस अमोनिया नहीं लेते, एक्वस में जो वाटर के साथ रिएक्शन ये कर लेगा। तो लिक्विड अमोनिया क्या है, जब अमोनिया गैस को आप बहुत ही ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में, जैसे मे बी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप कंडेंस कर देते, जब आपको उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर में कंडेंस कर दोगे, तो लिक्विफाई हो जाएगी, ये एक्वस नहीं होती, पानी वाली नहीं होती लिक्विड अमोनिया, समझ में आ गाइज आपको। तो अब ये तो बात होगी बेसिक्स की। जो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसमें तो क्या बनता है, जो जैसे सी था,
ये फॉर एग्जाम्पल ये जो एच है इस ये वाले जो ऑलरेडी आपके एच प्रेजेंट है ठीक है, और ये वाले जो पर्पल में है इस तरह से ठीक है। अब ये जो एच है अब जुड़ेंगे, तो जो लिंडलार्ज कैटलिस्ट है उसमें तो सिस पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन जुड़ते हैं, यानी जो डबल बॉन्ड है उनकी एक साइड, और लेकिन इसमें जुड़ते हैं ट्रांस पोजीशन पे ठीक है। समझ में आपको तो याद है, अगर यहाँ पे मेरा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस तो था ही आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप मान लो सी एच थ्री सी इस तरह होता ठीक है, और यहाँ पे सी एच थ्री आ गया तो इस तरह से कुछ जुड़ जाएगा, मतलब कुल मिलाए माने कि ये सिस प्रोडक्ट बनता है लिंडलार्स में और बर्च रिडक्शन में बनता है आपका ट्रांस। समझ में आया गाइज? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो इसमें अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ये ब्रेक होगा कंपाउंड बॉन्ड ब्रेक होगा एच टू, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं ये जो यहां से ब्रेक होगा तो इसमें ये एच एक ही पोजीशन पे जो हैं एच दोनों एक ही पोजीशन पे जुड़ जाएंगे। समझ में आया गाइज आपको? तो इसका मतलब ये दीज आर एट वन एट सेम प्लेस। अगर इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करना चाहूं तो सी डबल बॉन्ड सी ठीक है, यहाँ पे सी फाइव एच इलेवन, यहाँ पे आपका हो गया बी यू एन, और ये हो गया दो एच। राइट गाइस, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इज योर करेक्ट आंसर ठीक है। आई होप गाइस आपको ये जो बेसिक्स हैं ये हर चीज जितने भी हैं वो सब समझ में आई होंगी। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, देखिए इथाइल बेंजीन दे दिया है और इथाइल बेंजीन को कहा है कि ए नंबर ऑफ जो रिएजेंट्स हैं इनके साथ रिएक्शन करें। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इथाइल बेंजीन क्या हो गया आपका, ये इसकी इससे रिएक्शन कराई पहले। अगर आपको पता है ये जो रिएजेंट्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ओके। हालांकि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को एक एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशली हम बेंजीन यूज कर रहे हैं तो उस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ये एक बेंजीन है और बेंजीन पे वी नो एक एच होते हैं हर पोजीशन पे, तो एक एच मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जब इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल से ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जो जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कम है उस पर, जब उस पर आप ऐसे ऐड करते हो तो क्या होता है ये एच निकल जाता है ओके प्रोटोन, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस कर देता है। यही आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आपको? बेसिक आपको अगर समझना है तो उसमें देखना, आप बहुत आसानी समझ में आएगा। नाउ आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली आपको जो क्योंकि इस आपका जो आपका क्वेश्चन है बी आर टू एफ ई दिया हुआ है या एक्स टू एफ ई दे दिया होता, सी एल टू एफ ई कुछ भी हो वो दिए होते, तो उस केस में बता रहा हूँ। बहुत बार आपको सी एल टू एफ ई सी एल थ्री दे दिया जाएगा, मतलब सी एल टू बी आर टू कुछ भी ले लो, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। कभी कभी आपको सी एल टू ए एल सी एल थ्री दे दिया जाएगा ठीक है, और इस केस में जैसे सी एल टू और एफ ही ई ही दे दिया तो आपको इनको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुल मिला के एफ ई सी एल टू है, एफ ई सी एल थ्री बना लेगा और रिएक्शन आगे वो करेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही रिएक्शन है ओके। समझ आपकी? एक स्टेप एफ ई सी एल टू के साथ रिएक्शन करके एफ ई सी एल थ्री और फिर सेम यही आ जाएगा। तो इन दोनों में अगर आप देखो ए एल या एफ ई सी एल थ्री का केस जो एक्सप्लेनेशन है एकदम सेम है वो ये है। जैसे एफ ई है उसके आउटर मोस्ट शेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको चाहिए, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसमें कम है तो ये क्या वो करेगा, लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एक तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो जब आपका जैसे ये सी एल टू है या बी आर टू का केस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये बी आर टू के पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आपको? तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे अटैक करेंगे। अब टर्नड आउट इसकी वजह से होता क्या है, एक तरफ तो आपका बी आर पॉजिटिव हो जाता है और ये बी आर दो सारे इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी क्योंकि ये सी एल है गाइस तो मैं इसमें सी एल ही ले लेता हूँ
ठीक है, FeBr3 ले लेते हैं तो यहाँ ऐसे, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे, Cl पॉजिटिव बन जाएगा और FeCl4 ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। नाउ अगर ये Cl पॉजिटिव है इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल हियर, सिंपल यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सपोज AlCl3 होता तब भी यही कैसे हो जाता, समझ में आया गाइज आपको? अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इतना तो समझ में आ गया ना गाइज आपको जो मैंने अभी तक समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो सेम अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है, Br2 और Fe है, तो अपना ये आप सोचो कि इस कम्बिनेशन से ये हटा दो और Br पॉजिटिव बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल। बेसिक मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, तो Br ये बन रहा है। अब Br जुड़ेगा किस पोजीशन पर, अब ये भी बात है। Br जुड़ेगा गाइस दो पोजीशन पर, एक तो ये वाला देखिए इंडक्शन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यहां भी बन सकता है और यहां भी जोड़ सकता है कोई भी पोजीशन पे, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट जस्ट सपोज दोनों पोजीशन पे जोड़ देता है, ठीक है, और मैं कोई सा भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शन ऑल्सो कि उन्होंने कौन से वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ कौन से बने दो, एक तो बन गया आपका ये वाला, ठीक है, CH2CH3 तो यहाँ है ही, यहाँ जोड़ देता हूँ Br, और एक बन गया आपका इधर Br, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगेन गाइज प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, वो कोई समझ नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा है फॉलोइंग रिएक्शन इज इथाइल बेंजीन, अब Cl2 हीट करिए, Cl2 के साथ कोई लुइस एसिड नहीं है, हीट कर रहे हैं। तो अगेन ये सेम क्या हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे CH4 है या कोई एल्केन है, इसकी आप Cl2 या वेरी हाई हीट या एच न्यू के साथ रिएक्शन करते हो, CH3Cl बन जाता है, और ये क्या है, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होगा भाई, बेंजीन से तो कहीं नहीं तोड़ेगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड यहां से जोड़ेगा। नाउ इट गोज थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैसे, जो CH3 ये एच है, यहाँ एक ये बन जा जुड़ जाता है, एक ये जुड़ जाता है, पता है आपको, और Cl है ये टूट जाता है, समझ रहा है। तो CH3 ये फ्री रेडिकल होता है और एक ये फ्री रेडिकल है, ये दोनों जुड़ के CH3Cl जोड़ देते हैं, पता है आपको। तो इसका मतलब फ्री रेडिकल की जो पहले तो यहां बनेगा, नाउ इनमें से फ्री रेडिकल अगर इस पोजीशन में बने या इस पोजीशन में बने, कौन सा स्टेबल है, सेम गाइज इस वाली पोजीशन पे बनेगा। नाउ इस पोजीशन पे क्यों बना, इस पे क्यों नहीं बना, वो इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन विल क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी है उसको कम करने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज वाई वी चोज दिस बेंजाइलिक पोजीशन, है ना। इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि जनरली हम तो सर इसे लेना चाहिए था, इसे लेना चाहिए था, कुछ टेंशन नहीं लेना, सिंपल यहां बनना, तो यहां स्टेबल है, तो यहां ने Cl जो जुड़ेगा आपका इस बार यहां पे जुड़ जाएगा Cl डॉट। अब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करें। अब गाइज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ, जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH दे दिया जाता है और या फिर एल्कलाइन सॉरी एक्वस KOH दे दिया जाता है ना। तो एक्वस KOH और एल्कलाइन KOH में जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों डिफरेंट बनते हैं, और बहुत एल्कोहलिक KOH और एक्वस, एल्कोहलिक KOH में बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होती है और एक्वस में बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉलो होती है, हैंस दोनों कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट। पहले आपको रिएक्शन बताता हूँ, फिर एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे याद कर सकते हो, एक बेसिकली कंसेप्ट है छोटा सा, लाइनर वन लाइनर। देखिए जैसे आपको ये दे दिया कंपाउंड CH2H लिख लिया और यहाँ CH2Cl लिख लो, ठीक है, सेम इसमें CH2H एंड CH2Cl। आप ये मत कंफ्यूज मत हो कि बैक एंड से एच लेगा, और वो मैंने स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं बताई, सिर्फ एच और सी एल को अलग करने के लिए बताया, हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इस तरह नहीं है ना, आप इस तरह सोचे, ये वाला इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आप कभी कह दें कि भैया एच इधर ले लिया, एच उधर ले लिया। तो अब एलिमिनेशन में क्या होगा एल्कोहलिक KOH के केस में, कि ये एच निकलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ सब्स्टिट्यूट होंगे, यहाँ घुसेंगे और ये जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके HCl बना लेंगे और CH2 यहाँ डबल बॉन्ड बन गया एल्कीन। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो एक्वस KOH के केस में जो OH नेगेटिव है ना, आप ये समझो मैं मेथड बता रहा हूँ,
वो अटैक करेगा यहां से और ये सीएल निकाल देगा, तो इस केस में CH3 CH2 OH बन गया, इस केस में एल्कीन बना, इस केस में एल्कोहल बना, एल्कोहलिक के केस में एल्कीन और एक्वस के केस में एल्कोहल। नाउ इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए मैं तो इसको ऐसे याद रखा है, आपको फनी लगे या कैसे भी लगे, एल्कोहल एल्कोहल यानी शराब, विस्की द बियर जो भी है भाई, एक जो ये वाला KOH है इज वेरी एल्कोहलिक, ये बहुत शराब पीता है, ये शराब पी के क्या हो जाता है, ये गिर जाता है, लेटा रहता है, तो लेटा रहना मतलब डबल बॉन्ड, ये लेटा हुआ हो गया ना, ये शराब पीता है और नीचे गिर जाता है वहीं के वहीं, ये समझे आप, बस ये मैं ये याद रख रखा है एक हिंट सी कि एक एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक यानी बेवड़ा, बेवड़े ने क्या हुआ, गिर गया वहीं डबल बोन्ड जैसे ही है ना, ये बेड पर लेट गया, बस ऐसे अगर आपको समझ में आएगा इस, तो और बस इससे हो जाते एक्वस में एकदम अपोजिट होता है, बस मैं ऐसे याद रखा हूँ। सो अगर आप इसमें अगर आप देखोगे इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा एल्कोहलिक KOH के केस में क्या हो जाएगा, ये सॉरी हाँ एल्कोहलिक केस है CH2H है, तो सिंपल आपको क्या करेगा, ये बोन्ड एल्कीन बनेगा, ये निकला ये टूट के एक टूट गया, समझे समझ में आ गया होगा ना, तो ये जो डबल बोन्ड है यहाँ अपना बन गया, Br तो इधर है ही और यहाँ CH2 डबल बोन्ड CH2, ये CH है सॉरी, है ना, अब मैं अगेन वही हटा लीजिएगा जैसे भी आप हटाना है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर इसके केस में भी आप बनाते तो आपको दिख जाता कि इसमें ये बनेगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया तो मैंने लिया नहीं, ये वाला इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। सो बस इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल रिएक्शंस दे देंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू आइसोमर्स ए एंड बी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब ये गाइस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। इतना सेम इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसा है सेम जैसे आपने ओजोनोलिसिस देखी है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, राइट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे मैंने बताया था, ऑल द वे ऑक्सीडेशन करता है, सेम यही रिएक्शन देगा। तो इसने कहा कि ऑन ऑक्सीडेशन विद केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम आइसोमर ए ऑन रिएक्शन विद केमेनोफोर एच रिजल्ट्स इन एफरवेसेंस ऑफ ए गैस एंड गिव्स कीटोन द कंपाउंड ए इज। अब गाइस इसमें कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस वाइज देखता हूँ, ब्यूट वन ईन दिया हुआ है, ब्यूट वन ईन आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट वन ईन है, इसमें आपको KMnO4 के साथ रिएक्शन करी, मैंने क्या कहा था जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है उसका फाइनल जो होता है ये बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड O, ये क्या हुआ CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, फाइनल कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी H को OH से डाल दो, इस H को OH से डाल दो, राइट, H2O निकल गया और यानी CO2 बह गया, ये समझ में आया, नाउ CO2 गैस तो निकल गई, और इन्होंने क्या कहा है, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन विद केमरो आइसोमर ए ऑन रिएक्शन विद केमरो रिजल्ट्स इन एफरवेसेंस ऑफ गैस एंड गिव्स कीटोन, गैस तो निकल गई इधर, गैस वाला पॉइंट तो समझ में आ गया इधर इस पहले ऑप्शन में, लेकिन इधर कीटोन नहीं निकला, इधर निकला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया, समझ में आपको कैसे कैसे ऑप्शंस देखने हैं। दूसरा है आपका ऑप्शन जो है सिस ब्यूट टू इन, ओके सो सिस ब्यूट टू इन में ये हो गया CH3 CH3 और इधर हो गया H, राइट, सेम आपको KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई, आपको कुछ नहीं, बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये H और सेम सी CH3 H और डबल बॉन्ड ओ, राइट, बॉन्ड ब्रेक करके ओ, एच को ओ एच लिख दो, ये भी एसिड ये भी एसिड, मैंने बताया था ना एच को ओ एच क्यों किया, क्योंकि हमने फाइनल ऑक्सीडेशन करना कंप्लीट ऑल द वे,
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो गया, इसमें तो गैस भी नहीं निकली। ट्रांसब्यूट टू इन, इसमें भी सेम वही बनेगा, बस डिफरेंस क्या है गाइस, ऊपर और नीचे, इसमें बी और सी ऑप्शन है, इसमें बस यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ एच है, तो कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा, सेम वही डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच, यही बनना, ठीक है। तो सी भी आपका जो ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका मतलब यार मेरा डी ऑप्शन मुझे अब सही होना चाहिए, नहीं तो, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। डी हो गया आपका टू मिथाइल प्रोपीन, तो टू मिथाइल प्रोपीन में क्या हो गया, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है, 1 2 3 टू मिथाइल, ठीक है, मेथ एथ प्रो प्रोपीन, टू मिथाइल प्रोपीन हो गया। बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ ओ जोड़ देंगे तो सी एच थ्री, अब दे तो होता हुआ दिख रहा है गाइस, एक तो किटोन बन गया, ठीक है, ओ जोड़ दिया था ना इधर, और ये सी एच टू वाला क्या है, एच एच ओ, एच को ओ एच से रिप्लेस कर दो, एच टू ओ निकल गया, ये क्या बचा, सी ओ टू, तो बन गया गैस, तो निकली एफरवेसेंस किसकी, सी ओ टू की, और दूसरा प्रोडक्ट बन गया आपका किटोन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको गाइस समझ में आ रही होंगी, वीडियोस में आपको समझ रहे होंगे। सो गाइस अगर यहां तक पहुंच ही गए हैं आप, तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर भी करें, क्योंकि बहुत इट हेल्प्स अ लॉट गाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलिन वन गेट्स, नाउ गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये आपने नहीं पढ़ा हो तो एग्जाम में, मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा, तो एग्जाम में आपको काफी दिक्कत हो सकती है, नहीं सोच सकते आप इतना, इसलिए देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सेम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मैंने आपको लिया था कि बेंजीन के साथ, जब आप, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, एनिलिन वाला नहीं, अभी एनिलिन वाला बताऊंगा, डिफरेंस क्या है यहां बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, सी एस थ्री सी एल और ए एल सी एल थ्री ले लेते हो एनहाइड्रस, उसमें क्या था, सी एल टू ले लेते थे आप, और सी एल पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल ही बन जाता था, जो आप सी एल जोड़ देते थे। इसमें क्या है, सी एस थ्री सी एल ले रहे हो, सी एल तो इसके साथ जुड़ के ए एल सी एल फोर बना देगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये सी एच थ्री पॉजिटिव, और इसलिए इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करके जब यहाँ जोड़ोगे तो सी एच थ्री जुड़ जाता है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे आप कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो, इस केस में आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ा। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, सिंपल एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, और इस केस में ये सी डबल बॉन्ड ओ आर होता, यानी अगर मैं यहाँ पे एच ले लूं, राइट, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और सी एच ओ एल्डिहाइड वाला ग्रुप आपका बन गया। तो ये होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, लेकिन ये तो नॉर्मल सिनेरियो में होता है, यहाँ एनिलिन के केस में क्या होगा, देखिए एनिलिन क्या है, इज वेरी जो स्ट्रोंग बेसिक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2, यहाँ पे जो लोन पेयर है इसके, ये इसका मतलब है भैया मुझे अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, हालांकि इससे जुड़ा हुआ है रिंग से, उसके बावजूद। तो अब क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस तो CH3 जो CL है, इसके जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो AlCl3 पे अटैक कर देते हैं, और लीविंग बिहाइंड दिस एज CH3 पॉजिटिव, राइट। लेकिन इस केस में सीएस ये अटैक नहीं कर पाता, डायरेक्ट इसका एनिलिन का ही ग्रुप जोड़ देता है, ये तो लुईस एसिड ही है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, जैसे ही ये इस पे जुड़ जाता है, ये क्या बना देता है, एक सॉल्ट बना देता है, जैसे ये वाला NH2 यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और AlCl आपका 3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये सॉल्ट बन जाता है। नाउ इस सॉल्ट के बनने की वजह से आपका CH3 पॉजिटिव नहीं निकल पाता, या CH3Cl रिएक्ट नहीं कर पाता, और ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हो जाता है, अगर जस्ट इन केस आप ये सोचो कि मैंने कहा कि पहली बात तो मेरा ये बन गया सॉल्ट, ठीक है, अगर आगे रिएक्शन बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन जस्ट इन केस आपने किसी तरह से CH3 पॉजिटिव भी डाल दिया, तब भी
वो कहीं जुड़ता नहीं है। जैसे वी नो कि ये पॉजिटिव चार्ज की होने की वजह से ये एक्टिंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रोंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इतना डीएक्टिवेट कर देता रिंग को, रिंग के ऊपर चार्ज नहीं बचता। और वो जो इलेक्ट्रोफिली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना कि भैया पॉजिटिव कहीं ले लो, वो जोड़ने के काबिल ही नहीं रहता। ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और नहीं करता रिएक्शन आगे, तो इस वजह से ये आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाती एनिलिन के केस में। तो इस बात का अगर आप ध्यान में रखते हो तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन बन गया ना गाइस, ये वाला, ये बहुत, जब भी नाइट्रोजन ऊपर यहाँ होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। समझ में आ गाइस आपको, सेकेंडरी अमाइड प्रोडक्ट नहीं बना, सेकेंडरी अमाइड आफ्टर एसिडिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं, एल्कलाइटेड प्रोडक्ट विद ऑर्थो पैरा सॉल्यूशन कुछ नहीं। भैया आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आई होप गाइज आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन हैज स्पेस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें बेसिकली एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराई है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। गाइज सिंपल है, 2,7-dimethyl 2,6-octadiene आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर आप बना लें पहले, सिंपल, आपको ये एक बार आपने स्ट्रक्चर देख लिया आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो 2,7-dimethyl होगा, काउंट यहाँ से करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओक्टा हो गया, डाईन हो गया, दो डबल बॉन्ड है, 2,6 पे है, 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 पे हो गया एक, और 2,7 पे डाई ये हो गया, तो 1, 2, 2 पे मिथाइल हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 7 पे हो गया एक ही मिथाइल, राइट। तो 2,7-dimethyl 2,6-octadiene हो गया। इसको इन्होंने कराई प्रोटोन के साथ रिएक्शन, कोई से भी प्रोटोन कोई से भी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर लेगा, एक ही बात है, राइट। सो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, लेट जस्ट सपोज मैं इस वाले को ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रोटोन यहाँ आने की कोशिश करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड, ये वाली पोजिशन की टर्शियरी, ये ज़्यादा स्टेबल है, और एक पे यहाँ पे एच जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब क्या होगा, सिर्फ प्रोटोन दिया था, अब आगे इसको कहीं आगे तो जाना ही है, सिंपल। अब क्या होगा, इसमें रिंग फॉर्मेशन होगी। रिंग फॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड करेगा, इंटरनली रिएक्ट करेगा। अब डबल बॉन्ड तो कर रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड रिएक्ट करने से पहले एक चीज बता दो भाई, डबल बॉन्ड से तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना इसका, इसी किसी कार्बन से बनेगा, तो इस कार्बन से बनेगा या इस कार्बन से, अगेन सेम मैंने जो आपको बताया था, एज्यूम करो पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड जब आप ब्रेक कर देते हो, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इस पोजिशन पे ज़्यादा स्टेबल है या इस स्टेबल पोजिशन पे, और नेगेटिव इस पे, ये क्या होगा, ये टर्शरी पोजिशन है, तो पॉजिटिव इस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये सेकेंड ईयर नेगेटिव इस पे ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन, है ना। तो मैं ये वाली पोजिशन होगी, तो जब मेरा बॉन्ड बनेगा नेगेटिव, ये वाला उस पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो यानी मेरा बॉन्ड तो ब्रेक, मैं जब भले ही इसको दिखा रहा हूँ लेकिन अटैक ये वाला कर रहा है, समझ में, लीविंग बिहाइंड दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन, समझ में आ गया इस आपको। तो अगेन इसका रिंग बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग मैं बना लेता हूँ ऐसे, 1 और 5 के बीच में एक बॉन्ड हो गया, चलो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पे हो गया आपके दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, मैंने ये दो मिथाइल जोड़ दिए, और जो 1 है 1 पे आपके दो मिथाइल, ये सी, ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 पे मैंने सी, ये दो और ये पॉजिटिव जोड़ दिए। गाइज इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते, राइट, सिंपल। अब इसको पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, ये एक एच है यहाँ पे, कुछ नहीं, एच को हटा दो, यानी प्रोटोन को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सी ये और एक ये, समझ में आया गाइस। तो नंबर जो sp2 हाइब्रिडाइज कितने होंगे इस पे, एक, दो, दो कार्बन हो गए, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 2, राइट। सो आई होप गाइस ये चीज समझ पाए होंगे आप, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन
गाइस इस चीज को आप, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ऐसे समझें कि थोड़ा सा ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए क्योंकि मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन इस बात को आपको इसमें ध्यान रखना है आपको, कि किस तरह से लेना है, जिस तरह से रिएक्शंस है उसी तरह आपको समझना है। वो कैसे, मैं आपकी बता रहा हूँ, ठीक है। सेम अभी तक तो आपको दिखने में लग रहा है एक एल्कीन दिया हुआ है, एक एल्केन दिया हुआ है, प्रोटोन दिया हुआ है। यहाँ पे डबल बोन प्रोटोन पे अटैक करेगा। डबल बोन जब प्रोटोन पे अटैक करता है तो ये हो गया। अब एक पे एच जुड़ेगा, एक पे जुड़ेगा आपका प्रोटोन, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ ला दिया क्योंकि ये टर्शियरी पोजिशन है, CH3 ये जोड़ दिया क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या करता है, देखिए इस केस में इसको, या देखिए कायदे से तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि भैया यहाँ प्रोटोन निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। डबल देखिए कैसे, ये CH2 है, ये हाइड्राइड, वापस प्रोटोन निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, वापस आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, या कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। तो कुल मिलाकर आपको इन ऑप्शंस में से जोड़ना है कुछ ना कुछ। तो ये क्या करता है, अब इसमें आपको थोड़ा सा फिर से रिएक्शन करता है ये इस डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इस पे फिर अटैक करता है और अगेन एक बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड किस पे बनाएगा, इससे या इससे, मैंने बताया था पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल है, तो इससे आपका डबल बॉन्ड का जो है यहाँ बना दिया लिंक। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसका, तो CH3 राइट, और एक हो गया ऊपर CH3, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड बना है इस वाले कार्बन से, देखिए ये दो तीन CH3 तो हो गए, ये वाले, ये कार्बन से एक ये वाला कार्बन जुड़ गया, ठीक है। और इससे ये देखिए, ये वाला कार्बन ये है, इससे जुड़ा एक सी, ठीक है, जिसपे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और सी से जुड़े हुए दो CH3। कंफ्यूज तो नहीं हुए गाइज आप, ठीक है। अगर एक बार है तो आपको दोबारा से एक बार देखिए इसको, क्योंकि मैंने कैसे समझाया। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है इस पे। अब पॉजिटिव को सिंपल क्या लेना है, एक पॉजिटिव चार्ज को हटाना है अपना, बेसिकली आयन। तो अब क्या होता है, जो ये वाला एल्केन है, आप इसको समझे में कि एक तरह से इसका सॉल्वेंट मान लो, कुछ भी मान लो, ये हाइड्राइड, ये क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट, ये प्रोटो, ये हाइड्राइड है, यहाँ से खींच लेगा, ठीक है। और हाइड्राइड जब इसने यहाँ से खींचा, तो ये मैं यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूँ, ये हटा दो, और एच नेगेटिव लिया और सिंपल एच नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया CH, ठीक है, समझ में आया। ये हाइड्राइड निकला तो CH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया। प्रोटोन निकलेगा, डबल बॉन्ड सेम, वापस ये बन गया, तो इसलिए इसका मैंने लिया। तो जो फाइनल आंसर हो गया आपका, ये वाला हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ऐसे ही लेना है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, एक सी पे 3 CH3 CH2, और फिर एक सी पे एच और 2 CH3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये जितने क्वेश्चन है समझ में आए होंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, देखते रहें गाइज, बहुत हिम्मत मिलती है अगर हमें सब्सक्राइब और वीडियोज में लाइक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। बाय।